सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजसुमन फोटोग्राफी। सो गाइज, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का फेसबुक लोगो कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम एंड क्रिएटिव सा लग रहा है। और इस वाले फोटो को हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का यूज़ करके एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह का फेसबुक लोगो कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग करना सीखना, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, इंस्टाग्राम आईडी नेम RSP एडिटिंग। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। गाइज, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस वाले नॉर्मल सी बैकग्राउंड को आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने जितना भी बैकग्राउंड PNG का यूज़ किया है, सभी का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो आप जाके वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड ऐड हो जाने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को आप रिसाइज कर लीजिएगा। रिसाइज करने से यह होता है कि आपके बैकग्राउंड का जो क्वालिटी होता है वो लॉस नहीं होता है। चलिए हम यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं। बैकग्राउंड रिसाइज हो जाने के बाद अब हम यहां से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम फेसबुक लोगो PNG को ऐड कर लेंगे। इस वाले PNG को हम ऐड कर लेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से छोटा करके इस बैकग्राउंड के नीचे हम इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। इसके बैकग्राउंड को हम पहले ही इरेज कर चुके हैं। अगर आपको भी जानना है कि फुल HD क्वालिटी में जस्ट वन क्लिक में बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को सिंपली वॉच कर सकते हैं। अब हम कुछ इस प्रकार से अपने मॉडल को जूम करके इस फेसबुक लोगो के PNG पर प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम एक शैडो के PNG को ऐड कर लेंगे। इस वाले शैडो PNG को हम ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से छोटा करके अपने मॉडल के पैर के नीचे हम इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे। यहां से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम मूव डाउन कर देंगे। अब यहाँ से हम डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे इसको और इसको कुछ इस प्रकार से दूसरे पैर पर इसको लगा लेंगे। अब हम सिंपली यहाँ से डन कर लेंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम यहाँ से इमोजी की PNG को ऐड करेंगे। इस वाले इमोजी PNG को हम ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से जूम आउट करके इसको हम कुछ इस प्रकार से लेफ्ट साइड में लगाएंगे और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से राइट साइड में भी इसको हम लगा लेंगे। अब यहाँ से सिंपली हम इसको डन कर लेंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम फेसबुक टेक्स्ट PNG को ऐड कर लेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से जूम इन करके इसको हम ऊपर की ओर इसको हम लगा लेंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार यहां से हम किंग की PNG को ऐड करेंगे। इस वाले किंग PNG को हम ऐड करेंगे और यहाँ से ब्लेंड मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम स्क्रीन पर सेलेक्ट कर देंगे और इसको कुछ इस प्रकार से जूम आउट करके अपने मॉडल के ब्रेन में इसको हम प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके हार्डनेस को थोड़ा हम कम कर लेंगे और साइज अपने मुताबिक सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से इसको हम इरेज कर लेंगे।
अब यहाँ सिंपली हम इसको डन कर लेंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक इफेक्ट पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले इफेक्ट पीएनजी को हम ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से फुल जूम करके और यहाँ से ब्लेंड मोड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम स्क्रीन पर कर देंगे। अब यहाँ सिंपली हम इसको डन कर लेंगे। अब हम ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम सिंपली सेव कर लेंगे और इस वाले फोटो को हम लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करेंगे। तो चलिए हम इस वाले फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करते हैं। लाइटरूम एप्लीकेशन में फोटो ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा डिक्रीज कर लीजिएगा, हाईलाइट थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, शैडो थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। अब यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मिक्स टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लू कलर पर क्लिक करके इसके सैचुरेशन को थोड़ा हम इंक्रीज कर लेंगे और इसके ह्यू को थोड़ा हम डिक्रीज कर लेंगे, ल्यूमिनस भी थोड़ा हम इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ से हम सियान कलर पर क्लिक करेंगे, इसके भी सैचुरेशन को थोड़ा हम इंक्रीज कर लेंगे और इसके भी ह्यू को थोड़ा हम डिक्रीज कर लेंगे। अब हम ऑरेंज कलर पर क्लिक करके इसके ल्यूमिनस को थोड़ा हम इंक्रीज कर लेंगे। अब हम सिंपली यहाँ से डन कर लेंगे। अब थोड़ा हम वाइब्रेंस भी इंक्रीज कर लेंगे, थोड़ा सैचुरेशन भी हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ से हम इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने फोटो में थोड़ा हम डिग्नेट को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से हम शार्पनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने फोटो में थोड़ा हम शार्पनेस ऐड कर लेंगे, डिटेल्स भी थोड़ा हम इंक्रीज कर लेंगे, नॉइज रिडक्शन भी थोड़ा हम इंक्रीज कर लेंगे, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा हम इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ से हम सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम सेव कर लेंगे। सो गाइज, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।